टीम इंडिया ने रचा इतिहास, वेस्ट इंडीज का 3-0 से किया सुपड़ा साफ, तीसरे वनडे में हुई रिकॉर्ड की बरसात। भारत बनाम वेस्ट इंडीज के बीच खेले गए तीसरे और अंतिम वनडे मुकाबले में टीम इंडिया ने वेस्ट इंडीज को 119 रनों से शिकस्त देते हुए 3-0 से श्रृंखला अपने नाम की। आपको बता दें कि 27 जुलाई को खेले गए वनडे मुकाबले में बारिश के चलते 50 ओवर का खेल पूरा नहीं हो पाया। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करते हुए 36 ओवर मिले, जहां टीम इंडिया ने 3 विकेट के नुकसान पर 225 रन बनाए। वहीं वेस्ट इंडीज को 257 रनों का लक्ष्य मिला। ये लक्ष्य उन्हें DLS मेथड की वजह से मिला। आपको बता दें कि 257 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम मात्र 137 रनों पर ही ऑल आउट हो गई। वेस्टइंडीज को 119 रनों से शिकस्त देते हुए तीसरे वनडे में भारतीय टीम ने कई बड़े और तमाम रिकॉर्डों को ध्वस्त किया है। क्या है वो रिकॉर्ड, चले जानते हैं इस खबर में। आपको बता दें कि भारतीय टीम ने 39 साल बाद वेस्टइंडीज को उन्हीं की सरजमी पर क्लीन स्वीप किया है। भारत ने कपिल देव की कप्तानी में आखिरी बार साल 1983 में वेस्टइंडीज को उन्हीं की धरती पर क्लीन स्वीप किया था। अब 39 साल बाद यानी कि 2022 में शिखर धवन की कप्तानी में भारतीय टीम ने यह कीर्तिमान अपने नाम दर्ज किया है। इसके अलावा भारतीय टीम ने कई और बड़े रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। आपको बता दें कि भारत ने वेस्टइंडीज को तीसरे वनडे मुकाबले में 119 रनों से शिकस्त दी है। भारत के लिए रनों के मामले में वेस्टइंडीज में ये सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले साल 2015 में विराट कोहली की कप्तानी में टीम इंडिया ने वेस्टइंडीज को 105 रनों से शिकस्त दी थी। इसके अलावा भारतीय कप्तान शिखर धवन ने कल 58 रनों की पारी खेली। भारतीय कप्तान शिखर धवन ने अपने वनडे करियर का 37वां अर्धशतक लगाया। ये अर्धशतक लगाते ही शिखर धवन ने भारतीय नियमित रूप से कप्तान रोहित शर्मा की बराबरी कर ली है। रोहित शर्मा ने विदेशी सरजमी पर 37 बार 50 या उससे ज्यादा का आंकड़ा लगाया है। शिखर धवन ने भी विदेशी सरजमी पर 37 या उससे ज्यादा बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। अब दोनों ही बल्लेबाज विदेशी सरजमी पर 37 या उससे ज्यादा 50 से ज्यादा का स्कोर लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। इसी के साथ भारतीय युवा सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने भी एक रिकॉर्ड अपने नाम किया है। शुभमन गिल ने बतौर सलामी बल्लेबाज भारत के लिए वेस्टइंडीज में तीसरा सबसे बड़ा स्कोर लगाया है। शुभमन गिल कल अपने शतक से 2 रनों से चूक गए और वो 98 रनों पर नाबाद रहे। आपको बता दें कि वेस्टइंडीज में बतौर सलामी बल्लेबाज राहुल द्रविड़ ने जहां 105 रन लगाए थे, तो वहीं अजिंक्य रहाणे के नाम 103 रन हैं। इस सूची में शुभमन गिल तीसरे पायदान पर आ गए हैं। वहीं अगला रिकॉर्ड भी शिखर धवन का ही आता है। शिखर धवन ने कल बतौर भारतीय बल्लेबाज वनडे में 800 चौके पूरे कर लिए हैं। शिखर धवन के नाम वनडे में 805 चौके हैं और ऐसा करने वाले शिखर धवन 25वें ओवरऑल वहीं 9वें भारतीय बल्लेबाज हैं। शिखर धवन पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी से 21 चौके दूर हैं। अगर वो वनडे में 22 चौके लगा देते हैं तो वो पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को भारत के लिए वनडे में सबसे ज्यादा चौके लगाने की सूची में पीछे कर सकते हैं। इसके अलावा अगले रिकॉर्ड की बात करें तो वो रिकॉर्ड श्रेयस अय्यर का है। आपको बता दें कि श्रेयस अय्यर ने बतौर उप कप्तान इस सीरीज में 3 मैचों में 161 रन बनाए हैं। 3 मैचों में उन्होंने 2 अर्धशतक लगाए हैं। अब श्रेयस अय्यर बतौर भारतीय बल्लेबाज पहली 27 पारियों में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में तीसरे पायदान पर आ गए हैं। श्रेयस अय्यर ने वनडे में अब तक 27 पारियों में 1108 रन लगाए हैं। इस मामले में वो तीसरे नंबर पर हैं। पहले 2 बल्लेबाजों की बात करें तो इस सूची में नवजोत सिंह सिद्धू और शिखर धवन का नाम आता है। कहना गलत नहीं होगा कि टीम इंडिया के लिए ये जीत बहुत बड़ी है, क्योंकि भारत पिछले कई समय से वेस्टइंडीज को उनकी सरजमी पर क्लीन स्वीप नहीं कर पाया है। लेकिन ये कमाल भारत की 20 रिंग टीम ने किया है और भारतीय कप्तान शिखर धवन की अगुवाई में ये कमाल टीम इंडिया ने करके दिखाया है। आपको बता दें कि अब भारत बनाम वेस्टइंडीज के बीच T20 सीरीज शुरू होने वाली है, जिसमें नियमित तौर पर कप्तान रोहित शर्मा टीम में वापसी करने जा रही हैं। देखना होगा कि क्या वहां भारतीय टीम इसी तरह से खेल दिखा पाएगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।